दोस्तों आज 6 अप्रैल को आपकी एग्रीकल्चर का जो पेपर है वो हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कृषि विज्ञान पेपर की संपूर्ण उत्तर कुंजी है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। तो आप देखिए, इसमें आपको सबसे पहले सेक्शन ही मिलेगा। इसका पहला प्रश्न, सहजीवी जीवाणु कौन से हैं? तो वो हैं राइजोबियम। तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इस पेपर का दूसरा प्रश्न। धान फसल की जल मांग कितनी होती है? तो वो होती है 900 से 2500 मिलीमीटर। तो दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न, जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वो होता है होडियम वेलगेर एल। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए चौथा प्रश्न, आलू का कुल कौन सा है? तो आलू की फैमिली होती है सोलेनेसी। तो चौथे का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आता है, दशहरी उन्नत किस्म किसकी है? तो वो है आम की। तो पांचवें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे छठा प्रश्न, पपीते के पौधे लगाने हेतु यहाँ पे गड्ढे का आकार कितना रखते हैं? तो वो रखते हैं 50x50x50 सेमी। इस प्रकार से छठे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का सातवां प्रश्न आता है, किस नस्ल के सींग जलेबी आकार के होते हैं? तो यहाँ पे जो हमारी भैंस है मुर्रा भैंस, उसके जो सींग है वो जलेबी के आकार के होते हैं। तो सातवें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न, पेल्ट के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो वो है कराकुल, जो कि क्या है यहाँ पे भेड़ की नस्ल है। तो आठवें का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए हमारे पास में इस पेपर का नौवां प्रश्न आता है, एंथ्रेक्स बीमारी का रोगजनक कौन सा है? तो वो है बेसिलस एंथ्रेसिस। तो नौवें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देखिए हमारे पास में दूसरा जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान वाला है। तो पहला रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन कहता है, मल्च का प्रयोग मृदा चरण रोकने के लिए किया जाता है। तो मृदा की नमी के वाष्पीकरण को रोकना और जो खरपतवार उग जाते हैं उनको यहाँ पर उगने से रोकना, इसलिए मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार 1950 में हुआ था। तीसरा, गलघोंटू रोग पशु कौन से पशु, भैंस और गाय, इनमें होता है। तो इनमें प्रॉब्लम क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, सांस लेने में दिक्कत होती है। आगे आप देखिए चौथा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना सन 1965 में की गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे आपसे एक पंक्ति वाले आंसर देने थे, उनमें क्वेश्चन देखिए। तीसरे का पहला, असिंचित कृषि किसे कहते हैं? दूसरा, अमरूद की कोई दो उन्नतशील किस्में लिखिए। तो इलाहाबादी सफेदा और लाल गूदे वाला। तीसरा, उत्तम किस्म की जेली किस प्रकार से तैयार होती है? चौथा, पेक्टिन परीक्षण में काम आने वाले उपकरण का नाम लिखिए। तो वो उपकरण देखिए एक जेल मीटर। आगे हमारे पास में पांचवा क्वेश्चन आया था, एक विदेशी नस्ल की बकरी का नाम लिखिए, टोगेनबर्ग। आगे देखिए छठा प्रश्न, मुर्रा नस्ल व यहाँ पे सूरती भैंस की नस्ल की प्रजनन से प्राप्त हुई नस्ल का नाम लिखिए। तो वह है मेहसाना। सातवां, पशुओं में चापचई उपापचई जनित रोग का नाम लिखिए, मिल्क फीवर। आप लिख सकते थे दोस्तों, ये हमारे पास में क्वेश्चन आए थे। आठवां है, NDDB का पूरा नाम लिखिए। तो NDDB की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आगे आप देखिए दोस्तों हमारे पास में सेक्शन बी है वो आता है, जिसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो चौथा है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कोई तीन प्राकृतिक कारक लिखिए। पांचवां, मृदा के जलीय चरण को प्रभावित करने वाले कोई तीन कारक लिखिए। तो दोस्तों ये हमारे पास में बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो आपको जो तीन कारण देने हैं वो उनके उत्तर बड़े बड़े लिखने होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं बता सकता, मैंने आपको MCQ और जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे और जो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न थे उनके उत्तर बता दिए। आगे खंड द आया था, इसमें आपसे बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तर शब्द सीमा है 200 शब्द। तो 19वां, जो के रिगार्डिंग था, वैज्ञानिक खेती का क्या महत्व है? उसके आगे मोठ के रिगार्डिंग था, फिर अनार के रिगार्डिंग था और फिर पपीते के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये हमारे पास में पेपर कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे पेपर अच्छे गए होंगे, एग्रीकल्चर वाला भी अच्छा गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।